फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि अगर आप टेस्टिंग को प्रोग्राम या तो सैंडबॉक्स प्रोग्राम के अंदर थाईलैंड में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको फिफ्थ डे पे जो है वो एटीके टेस्ट का रिपोर्ट जो है आपको मोरचना ऐप पे अपलोड करना रहता है। लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि मोरचना ऐप पे एटीके टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो कैसे अपलोड करें। इवन मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर के भी मुझे मैसेज आए थे कि भाई ये मोरचना ऐप पे एटीके टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो कैसे अपलोड करना है, हमको जरा बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि फिफ्थ डे पे जो एटीके टेस्ट का जो रिपोर्ट है उसको मोरचना ऐप पे कैसे अपलोड करना है, और अगर मोरचना ऐप वर्क नहीं कर रहा है तो जो एटीके टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो आपको कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे अपलोड करना है, वो सारी बातें हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोरचना ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया गया है, और ये ऐप उन लोग के लिए बनाया गया है जो लोग थाईलैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं और जिनके पास ऑलरेडी थाई पास आ चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे कि फिफ्थ डे पे आप जो एटीके यानी कि एंटीजन टेस्ट करेंगे उनका रिपोर्ट जो है वो आपको मोरचना ऐप पे कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर या तो अपने मोबाइल के ऐप स्टोर पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए मोरचना ऐप। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने ये मोरचना ऐप आ जाएगा, तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे अलाउ कीजिए, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए इंग्लिश, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाएगा, तो वो एक बार पढ़ के आप यहाँ पे एक्नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने प्रोफाइल फ़ोटो सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना चेंज प्रोफाइल इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो डाल सकते हो, या तो फिर यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, आर यू प्लानिंग टू एंटरिंग टू थाईलैंड और हैव जस्ट अराइव इन थाईलैंड। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप थाईलैंड में आने का प्लान बना रहे हो या तो आप ऑलरेडी थाईलैंड में आ चुके हो, तो यहाँ पे यस कीजिए और यहाँ पे कंफर्म कीजिए। जैसे आप कंफर्म करोगे आपके सामने ये पॉलिसी नोटिस आ जाएगा, अलाउ टू शेयर थाईलैंड पास आई डी कोस्टेड क्यू आर कोड फर्स्ट नंबर एंड सर नेम यूजिंग द एप्लीकेशन मोरचना ऐप। यहाँ पे आप प्रोसीड कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड करोगे यहाँ पे आपको परमिशन के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे ग्रांट परमिशन कर दीजिए। अभी यहाँ पे जो है आपको अपना थाईलैंड पास का जो QR कोड है वो स्कैन करना रहेगा। जैसे ही आप अपना यहाँ पे थाईलैंड पास का QR कोड स्कैन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी जो कि आपने थाईलैंड पास को अप्लाई करने के टाइम दी थी। वो ये सारी प्रोसेस आपको थाईलैंड में आने से पहले या तो थाईलैंड में एंटर होने के फर्स्ट दिन पे करनी है। उसके बाद आपका फर्स्ट डे पे जब ये RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है और आप होटल से चेकआउट कर लेते हो, उसके एग्जिट 5 दिन के बाद आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा होगा कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑन विजिटिंग थाईलैंड यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर Day 5 कोविड ATK टेस्ट रिजल्ट वाया लिंक, और उसके नीचे आपको एक लिंक दी रहेगी, तो आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका ऊपर नेम एंड सरनेम आ जाएगा, वो आपको चेक करना है कि वो आपका सही नेम है या नहीं। उसके नीचे आप देख सकते हो RT-PCR ATK टेस्ट रिजल्ट, नीचे लैब नंबर है, तो यहाँ पे आप जब भी अपना ATK टेस्ट करोगे तो ATK किट के ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। नीचे आपको रिलीज डेट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपने जब भी वो टेस्ट किया है ATK टेस्ट उसकी डेट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। नीचे आपको रिजल्ट का ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दो ऑप्शन है, तो अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव है तो आप नेगेटिव पे क्लिक करें, और नीचे आपको देख सकते हो लैब रिजल्ट फोटो, यहाँ से एक ऑप्शन है चूज फाइल करके, तो यहाँ से आप अपना फोटो जो है वो चूज करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका रिपोर्ट सबमिट हो जाए। ये तो बात हो गई कि आपको अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आप ऐसे जो है वो अपना टेस्ट का रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दोगे, लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोगों को जो है वो फिफ्थ डे पे ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना फिफ्थ डे पे जो है वो टेस्ट कर दीजिए और उसका फोटो खींच के रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों को जो है वो सिक्स डे पे भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है। और एक बार जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन आ जाए तो जैसे मैंने बताया वैसे आप अपना रिजल्ट अपलोड कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे सिक्स डे पे भी अपना नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, तभी आप थाईलैंड में फर्स्ट दिन पे आए तो आपने जो भी SHA प्लस या तो SHA एक्स्ट्रा प्लस में अपना होटल बुकिंग करवाया था उसका ईमेल आईडी या तो लाइन आईडी आपके पास रहेगा ही, तो आप ये जो रिपोर्ट है वो उनको ईमेल के थ्रू या तो लाइन आईडी के थ्रू भेज दीजिए, तो यहाँ पे होटल वाले जो लोग हैं वो आपका रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट साइट पे अपलोड कर दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल गई रहेगी कि फिफ्थ डे पे ATK टेस्ट का रिपोर्ट
कहाँ पे और कैसे अपलोड करना है। और अगर आपको ये वीडियो के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन के आंसर में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगा। ये वीडियो के रिलेटेड जो भी आर्टिकल की लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो लिंक पे जाके पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।